हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन बीबीबीएन ऑनलाइन क्लास। हम पढ़ रहे थे संवाद लेखन। संवाद लेखन हमने पढ़ा है, संवाद लेखन अर्थात बातचीत करना। वार्तालाप लेखन, आपकी पुस्तक में इसका नाम दिया हुआ है वार्तालाप, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। वार्तालाप करना भी बातचीत करना होता है, संवाद करना भी बातचीत करना ही होता है, एक ही बात है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपकी पुस्तक में आज हम दोहरान करेंगे संवाद लेखन का। देखिए, आपकी पुस्तक में दिया हुआ है बातचीत, आपस की बातचीत क्या कहलाती है? वार्तालाप। दो या दो से अधिक लोग परस्पर किसी विषय पर बातचीत करते हैं, उसे इस प्रकार लिखा जा सकता है। देखिए किस तरह से वार्तालाप को लिख सकते हैं हम। यहाँ पे बहुत ही आसान सा तरीका, किसी का नाम नहीं दिया हुआ है, आप कुछ भी टॉपिक विषय ले सकते हैं वार्तालाप लिखने के लिए। तो ए और आ के मध्य यहाँ पे बातचीत करवाई गई है। तो देखिए, ए कहता है, आ भाई नमस्कार, आप आगे आइए, आप बड़े हैं, आप पहले। आ क्या कहता है? पहले तो तुम ही हो, तुम हर व्यंजन के साथ हो, मेरा स्थान तो बाद का है। अब आ कह रहा है कि तुम पहले हो, क्योंकि हमें सबको पता है कि स्वर में सबसे पहले कौन सा स्वर आता है? ए स्वर आता है, जो प्रत्येक व्यंजन के अंतर विद्यमान होता है। तो आ कह रहा है, लेकिन वैसे आ बड़ा है, लेकिन ए कह रहा है पहले तुम हो तो तुम ही आइए। ए फिर से क्या कहता है? आवाज़ तो बड़ी आपकी है, आप दिखाई देते हैं, मैं तो सबके साथ मिलकर दिखाई नहीं देता हूँ। मैं सबके साथ क्या है, मिल जाता हूँ, इसलिए मैं दिखाई नहीं देता। जैसे नहर, सड़क, बहन आदि, इन सारे शब्दों में ए स्वर है। आपको पता ही है ए स्वर किस तरह से हम इनमें से निकालते हैं जब वर्ण विच्छेद करते हैं तब, तो सभी शब्दों में, सभी वर्णों में ए स्वर की ध्वनि विद्यमान होती है। इसलिए वो कह रहा है कि लेकिन ए जो है वो दिखाई नहीं देता, सबके साथ मिल जाता है। आ कहता है, ऐसी बात नहीं है, अखबार, अदरक, अमर और बहुत से शब्दों में दिखाई भी देते हो। आ जो है वो कह रहा है ऐसी कोई बात नहीं है, कई ऐसे शब्द हैं जिनमें तुम दिखाई देते हो। जैसे देखिए, आपको अखबार में दिखाई दे रहा है, अदरक में दिखाई दे रहा है, अमर में दिखाई दे रहा है, ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनमें ए दिखाई देता है। जब चाहे छिप भी जाते हो, और तुम्हारे तो इतने मजे हैं कि जब चाहे तुम छिप भी जाते हो, जब चाहे दिखाई दे जाते हो। अब देखिए आ क्या कहता है, आप ठीक कहते हैं, आ भाई हम सभी स्वर परिवार के सदस्य हैं, जब व्यंजन के साथ मिल जाते हैं तो हमारा रूप मात्रा में बदल जाता है, आप मात्रा रूप में भी दिखाई देते हैं, पालक, गाजर, माला, बादल और आज, आयत, आकाश, ऐसे शब्दों में भी आप दिखाई देते हैं। आ क्या कहते हैं, हाँ मात्रा रूप में हम सबकी अलग अलग पहचान है। आपको पता ही है कि सभी स्वर किसके रूप में प्रयोग करते हैं, हम मात्राओं के रूप में, ठीक है। स्वर अपने आप में भी इस्तेमाल होते हैं शब्दों में, और मात्राओं के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आ कहता है, ए कहता है, मेरी तो कोई मात्रा रूप नहीं है, आ तुम्हारे बिना तो हर व्यंजन अधूरा है। बिना तुम्हारे ए स्वर के बिना सारे के सारे व्यंजन क्या हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं, अधूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक व्यंजन को उच्चारित करने के लिए उसमें ए स्वर की ध्वनि विद्यमान होना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से वार्तालाप हम लिखते हैं। आपने देखा, जब दो या दो से अधिक लोगों में आपस में बातचीत होती है या वे बात करते हैं, एक बोलता है और दूसरा सुनता है और अपनी बातें कहता है, यही क्या कहलाता है? वार्तालाप कहलाता है। यहाँ पे कपड़े के थैले और पॉलीथीन के बीच वार्तालाप पूरा कीजिए। यहाँ पे एक वार्तालाप दिया हुआ है हमें, कपड़े का थैला है और एक है पॉलीथीन, इन दोनों के मध्य वार्तालाप, थोड़ी लाइनें दी हुई हैं, थोड़ी हमें भरनी है। कहो भाई, सबसे पहले कपड़े का थैला कह रहा है, कहो भाई पॉलीथीन बैग कैसे हो? अब बहुत कम नज़र आते हो, क्योंकि आजकल बाज़ार में प्लास्टिक की थैलियाँ, पॉलीथीन बैग क्या होते हैं, प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती हैं, प्लास्टिक के बैग होते हैं, वो कम हो गए हैं।
और किसका इस्तेमाल किया जाता है, कपड़े के बैग का। इसीलिए वो कह रहा है उससे, पॉलीथीन से पूछ रहा है कि आजकल तुम बहुत कम नजर आती हो, तो पॉलीथीन बैग देखिए क्या कहते हैं। हाँ भाई, अब सब्जी फल या अन्य सामान लाने में तो तुम्हारा ही उपयोग किया जाता है, मेरा अस्तित्व तो अब खत्म ही समझो। अब वो पॉलीथीन कह रहा है कि मेरा अस्तित्व तो अब पूरा हुआ समझो, ख़त्म हुआ ही समझो, क्योंकि सारे के सारे सामान लाने के लिए तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, कपड़े के थैले का। क्या किया जाए, अब थैला कह रहा है क्या किया जाए। सब दुकानों पर लिखा जो होता है, क्या लिखा होता है, अपना थैला साथ लाएं। इसलिए मैं नजर आता हूँ भाई, सब अपना अपना थैला साथ लाते हैं क्योंकि दुकानों पे लिखा होता है। पॉलीथीन कहती है ठीक कहते हो, अब कपड़े के, कागज के, जूट के थैले का ही चलन है, मैं तो पर्यावरण का मित्र भी नहीं हूँ। अब इसमें आगे दो चार लाइनें और दी हुई है जो आपको कंप्लीट करनी है। यहाँ पे देखिए थैला अब क्या कहेगा, जब वो कह रहा है कि मैं पर्यावरण का मित्र नहीं हूँ, तो थैला कह रहा है कि हाँ, लोग तुम में से सामान निकाल के इधर उधर तुम्हें फेंक देते हैं, गाय भी तुम्हें खाती है, उससे फिर बीमार हो सकती है, और भी पशु है जो तुम्हें खा लेते हैं, उससे वे भी बीमार होते हैं। आगे पॉलीथीन क्या कहती है, कह सकती है आप अपने हिसाब से इसमें लाइन लिखोगे, ये वाली लाइन जो मैं बता रही हूँ ऐसी कैसी नहीं लिखनी है, आप अपने हिसाब से लिखोगे, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ आइडिया। फिर पॉलीथीन कहती है कि हाँ, मेरे वजह से पर्यावरण पूरा प्रदूषित होने लगा है, तो पर्यावरण की शुद्धता और सभी प्राणियों की भलाई के लिए मेरा लोप हो जाना ही उचित है। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू।